कोटा 25 टन लोहे से तैयार 21 मीटर लंबा जहाज चंबल रिवर फ्रंट का एक और आकर्षण। जहाज पर बना क्रोकोडाइल बताएगा रिवर फ्रंट का रूट। 25 टन लोहे से तैयार 21 मीटर लंबा जहाज कोटा में चल रहे चंबल रिवर फ्रंट का काम जहां अंतिम दौर में है। रिवर फ्रंट के आसपास के क्षेत्र में चल रहे पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में है। थमल चौराहे पर विकसित किया गया देश का पहला 21 मीटर लंबा जहाज का मॉन्यूमेंट्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। 25 टन लोहे से थमल चौराहे पर बनाया गए देश के सबसे बड़े जहाज मॉन्यूमेंट्स के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 515 मीटर और ऊंचाई 6.5 मीटर है। रिवर फ्रंट पर प्रवेश से पूर्व आकर्षक जहाज का मॉन्यूमेंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोटा में अभूतपूर्व विकास कार्य पूर्ण हो गए हैं। वहीं पर्यटन विकास के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान बनाने वाला चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का कार्य भी अंतिम चरण में है। रिवर फ्रंट के आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटक विकास के कार्यों को कराया जा रहा है। करीब 50 लाख की लागत से 25 टन लोहे से इस आकर्षक जहाज का मॉन्यूमेंट मेरठ के कारीगरों द्वारा 3 महीने में पूर्ण किया गया है। कुछ दिन बाद इस मॉन्यूमेंट्स पर कलर और लाइटिंग के साथ अन्य कार्य भी पूर्ण कर लिए जाएंगे।